आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आकाश 2019 से आरपीएफ का फर्जी एएसआई बनकर घूम रहा था। ग्वालियर के रहने वाले आकाश को काले जूते दगा दिए गए। रॉब गांठने के दौरान आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर आया जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया से जीआरपी और आरपीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आकाश मधुरिया है। आकाश मधुरिया मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है। टेबल पर रखी वर्दी आकाश मधुरिया पहना करता था, जिसमें स्टार भी है। एक स्टार लगाकर आरपीएफ का एएसआई बनकर आकाश मधुरिया ट्रेनों में चलता था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में आकाश मधुरिया खड़ा था, लोगों पर रौब भी गांठ रहा था। आरपीएफ और जीआरपी ने पूछताछ की, लेकिन जैसे ही नजर आकाश मधुरिया के जूतों पर आरपीएफ और जीआरपी की पड़ी, सच सामने आ गया। आकाश मधुरिया काले जूते पहना था। काले जूते ही आकाश मधुरिया को गिरफ्त में ले आए। आज रात्रि चेकिंग के दौरान जो हमारी टीम में एसआई सुनील पुनिया थे और आरपीएफ की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक जानकारी हुई कि एक फर्जी एक दरोगा जो है वो सर्कुलेटिंग एरिया में नूरी मस्जिद के पास में लोगों को डरा धमका रहा है। इस पर हमारी टीम वहाँ पहुँचने पर उसको जो है पकड़ा, तो उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ पहले तो वो बताता रहा कि मैं आरपीएफ का एएसआई हूँ और मैंने बांदीपुर में ट्रेनिंग की है। इस तरीके से थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ कर उसने सही से बताया कि ये 2019 में इसने वर्दी बनवा ली थी और एक फर्जी आई कार्ड बनवा लिया था। वर्दी का शौक था इसको लेकर के, वो 2019 से ही वो ट्रेनों पर चलता था। आरपीएफ का एएसआई अपने को बता करके लोगों से को डराता धमकाता था और अपनी लाभ करता था। वो वसूली की बात क्या, अभी यहाँ पर वसूली थी लेकिन डर धमका रहा था लोगों को। 2019 से आकाश मधुरिया फर्जी एएसआई बनकर घूम रहा था। पकड़े जाने पर गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन 2019 से लगातार ट्रेनों में घूमकर लोगों को डराता था, धमकाता था। ऐसा ही बताया गया है कि रुपए भी ऐंठता था। अब भले ही पछता रहा हो, लेकिन अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आकाश 2019 से आरपीएफ का फर्जी एएसआई बनकर घूम रहा था, ट्रेनों में घूमता था और रौब भी गांठा करता था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर भी रौब गांठ रहा था, लेकिन जूते दगा दे गए। एएसआई बनकर घूम रहा आकाश काले जूते पहना था, जिससे ये साबित हो गया कि असली नहीं नकली है। 2019 से एएसआई बना था, तब से लेकर अब तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन इतना हुआ कि अपराधी बन गया। अपने साथी अनूप बघेल के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।